नमस्कार, मैं पल्लवी सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बालापुर के पास बैंड पार्टी की गाड़ी को उड़ाया, एक की मौत, 13 घायल। राशन दुकानों में खराब गेहूं की आपूर्ति किए जाने की शिकायत। फ्लाईओवर ब्रिज के काम में यातायात की रुकावट। आलेगांव की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग, लाखों का नुकसान। लग्जरी ट्रैवल्स कार्यालयों की आकस्मिक जांच की मांग। अब समाचार विस्तार से। बालापुर के भिकुंड नदी के पुल के पास ट्रक ने बैंड पार्टी की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक की मौत हो गई तथा 13 बैंड पार्टी वाले घायल हो गए। बालापुर के पास राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर भिकुंड नदी के पुल के पास अकोला से खामगांव की ओर जा रहे बैंड पार्टी के वाहन को पीछे से आ रहे ट्रक ने ओवरटेक करने के प्रयास में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बैंड पार्टी का वाहन पलट गया। इस दुर्घटना में अकोट निवासी 37 वर्षीय बैंड गाड़ी चालक शेख वाहिद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में वाहन में सवार 13 बैंड वाहक घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस से अकोला के सर्वोपचार अस्पताल पहुंचाया गया। घटनास्थल पर बालापुर पुलिस पहुंची थी। क्रेन की सहायता से बैंड पार्टी के वाहन को उठाकर यातायात को सुचारू किया गया। इस दुर्घटना की जानकारी बालापुर थाने के PSI मानकर ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। मी सत्यजित रमेश मानकर, पोलीस उपनिरीक्षक बाळापूर। हायवे नंबर 6 अपघात झाल्याबद्दल माहिती मिळाल्यावरून आम्ही आणि पोस्टॉप सरजीवनी तिथे रवाना झालो। अपघातग्रस्त वाहन रोडच्या बाजूला क्रेनच्या मदतीने काढून वाहतूक सुरळीत केली। तसेच जखमी जे आहेत त्यांना तात्काळ सर्वोपचार रुग्णालय अकोला येथे रवाना केले। आणि मृत्यू ऐकत आहे, यामध्ये एक शेख वाहिद वाहिद खा मजिद खा हा जागेवरच मरण पावला आहे आणि बाकी लोक एकूण 9 लोक जखमी आहेत, ते सर्वोपचार रुग्णालय अकोला येथे उपचारकामी भरती केले आहेत। गुन्हा दाखल करण्याची प्रोसेस सुरू आहे, पुढील तपास बाळापूर पोलीस करीत आहे। अकोला जिले के शहर व ग्रामीण इलाकों के राशन दुकानदारों को खराब गेहूं की आपूर्ति किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई किए जाने की मांग हो रही है। अकोला शहर समेत ग्रामीण इलाकों के राशन दुकानों को निकृष्ट गेहूं देने की शिकायतें काफी बढ़ गई है, जिसकी ओर जिला आपूर्ति अधिकारी ध्यान तक देने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। FCI द्वारा इस बार राशन दुकानदारों को जो गेहूं दिया गया है वह निकृष्ट है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पानी में भीगा गेहूं खराब होने लगा है, जिसमें से अजीब सी दुर्गंध छूट रही है। हाथ में गेहूं लेने पर साथ में चूरा भी आ रहा है। अकोला शहर में 124 तथा ग्रामीण इलाकों में 184 राशन की दुकानें हैं, जहां से राशन कार्ड के लाभार्थियों को अनाज दिया जाता है। FCI द्वारा राशन दुकानों के लिए जो गेहूं भेजा गया है वह पानी खाया हुआ है, जो खराब है। ये खराब गेहूं ही राशन दुकानदार अपने लाभार्थियों को दे रहे हैं। खराब गेहूं खाने के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत परिणाम हो सकता है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र पापड़कर जिला आपूर्ति अधिकारी को आवश्यक निर्देश दे। इस प्रकार की मांग राशन कार्ड लाभार्थी कर रहे हैं। अकोला के फ्लाईओवर ब्रिज के प्रारंभिक काम की शुरुआत हो गई है, परंतु यातायात के कारण इस निर्माण कार्य में बाधा पैदा हो रही है। अकोला शहर के महत्वाकांक्षी फ्लाईओवर ब्रिज के काम की शुरुआत की गई है, जिसके लिए अशोक वाटिका से जेल मार्ग की ओर जाने वाले यातायात को बंद किया गया है। बावजूद इसके वाहन धारक इसी मार्ग से आवाजाही करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है। फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण करने वाली झांडू कंस्ट्रक्शंस कंपनी द्वारा इस मार्ग से यातायात बंद किए जाने की सूचना वाले फलक भी लगाए गए हैं, फिर भी शहर के वाहन धारक मनमाने तरीके से वाहन दौड़ाते नजर आ रहे हैं। हालांकि यह शहर यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मचारियों की ड्यूटी भी रहती है, परंतु वे भी इन वाहन धारकों को रोकने का प्रयास तक नहीं कर रहे हैं। सड़क का यातायात बंद करने के बाद भी वाहन धारक
कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों के साथ विवाद करने में लगे हैं। जेल चौराह की ओर जाने वाले इस मुख्य मार्ग को बंद कर पर्यायी मार्ग उपलब्ध करवाए गए हैं, परंतु जो मान जाए वे अकोलावासी हो ही नहीं सकते, इसका अनुभव रोजाना हो रहा है। मंगरूलपीर तहसील के आसे गांव में बस थाना के पास स्थित इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में भीषण आग लगने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। मंगरूलपीर तहसील कार्यालय अंतर्गत आने वाले आसे गांव में इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में भीषण आग लगने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मंगरूलपीर तहसील के अंतर्गत आने वाले आसे गांव के बस थाना के पास इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान है, जिसमें यह आग लगी थी। भीषण आग के कारण आसे गांव के बस स्थानक पर अफरा तफरी का माहौल निर्माण हो गया था। इस घटना की सूचना तुरंत ही मंगरूलपीर के फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पहुंचकर आग पर काबू पाया। संभावना जताई जा रही है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लग सकती है। इस आग में लाखों रुपए का नुकसान होने की जानकारी प्राप्त हुई है। अकोला में लग्जरी संचालक व ट्रैवल्स एजेंट यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। उप प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा रात के समय ट्रैवल्स कार्यालयों पर पहुंचकर आकस्मिक जांच करे तो वास्तविकता सामने आ सकती है। अकोला शहर में लग्जरी संचालक व ट्रैवल्स एजेंट एसटी महामंडल की बसों के किराए की तुलना में कई गुना अधिक किराया वसूल रहे हैं। नियम के अनुसार यह गैरकानूनी है, जिस पर कार्रवाई करने के बजाय उप प्रादेशिक परिवहन विभाग लिखित शिकायत की मांग कर रहा है। सिटी न्यूज ने अभी तक कई बार लग्जरी संचालकों व ट्रैवल्स एजेंटों की मनमानी पर कई बार प्रकाश डाला है, जिन पर कार्रवाई की बजाय उप प्रादेशिक परिवहन विभाग कार्रवाई के बजाय अपना पल्ला झाड़ रहा है। शाम से लेकर देर रात तक लग्जरी बस स्थानक व रामलता बिजनेस सेंटर के सामने लग्जरी यात्रियों की भीड़ लगी ही रहती है। गर्मी की छुट्टियों और विवाह के चलते लग्जरी से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या बेहद अधिक है। इसी का अनुचित लाभ उठाते हुए यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। उप प्रादेशिक परिवहन विभाग ने एक बार भी आकस्मिक भेंट देकर मनमाने किराए को लेकर जांच नहीं की है। यातायात के साधारण नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से हजारों रुपए का दंड वसूलने वाला आरटीओ विभाग लग्जरी संचालकों व ट्रैवल्स एजेंटों के सामने क्यों घुटने टेक रहा है, यह समझ के परे है। लग्जरी बस थानक पर ट्रैवल्स एजेंटों के कार्यालय में यदि रात के समय आकस्मिक जाँच की जाए तो मनमाना किराया वसूलने की बात सामने आ सकती है, परंतु कार्रवाई कैसे करे, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। उप प्रादेशिक परिवहन विभाग यदि चाहे तो यातायात नियमों का भंग करने वाले लग्जरी बसों को जब्त कर सकती है, लेकिन नियम कानून की किताब लग्जरी संचालकों के सामने बंद हो जाती है, इस प्रकार की वास्तविकता नजर आ रही है। विश्व परिचारिका दिवस पर सर्वोपचार अस्पताल परिसर से नर्सिंग कॉलेज की प्रशिक्षणार्थी परिचारिकाओं ने शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली। रविवार 12 मई को विश्व परिचारिका दिवस मनाया गया। विश्व परिचारिका दिवस के अवसर पर अकोला के सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार अस्पताल परिसर से एक रैली निकाली गई। इस रैली में सर्वोपचार अस्पताल, जिला महिला अस्पताल के अलावा नर्सिंग महाविद्यालय की प्रशिक्षणार्थी नर्सेस भी बड़ी तादाद में शामिल हुई थी। परिचारिका सभी प्रकार के भेदभाव भूलकर दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती है। प्रत्येक के मन में परिचारिका के प्रति आदर भाव रहता है। विश्व परिचारिका दिवस पर सर्वोपचार अस्पताल से परिचारिकाओं द्वारा रैली निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई यह रैली सर्वोपचार अस्पताल पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। पंचायत समिति कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर एक विशालकाय पेड़ पूरी तरह से सूख गया है, जो कभी भी धराशायी होकर बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। अकोला के दमकल विभाग की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय की ओर जाने वाले मार्ग पर पूरी तरह से सूख चुका पेड़ बड़ी दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है। इस मार्ग के सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण का काम चल रहा है, जो अपने अंतिम चरण में है, जिसके कारण यह वाहन धारकों समेत पैदल चलने वालों की आवाजाही लगी ही रहती है।
विशालकाय सूख चुका पेड़ एक ओर पूरी तरह से झुका हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगले माह में मानसून आरंभ हो रहा है, उससे पहले तूफानी हवा के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके कारण यह पेड़ कभी भी धराशाही होकर बड़ी घटना का कारण बन सकता है, जिसे देखते हुए इस सूखे पेड़ का हादसे से पहले ही बंदोबस्त करने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। पेड़ के एकाएक धराशाही होने के कारण यह बड़ा हादसा हो सकता है और बिजली व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो सकती है। अकोला शहर के ऑटो चालकों ने फिर से अपनी मनमानी शुरू की है। ट्रैफिक विभाग द्वारा कई दिनों से कार्रवाई न किए जाने के कारण ऑटो चालकों ने अपनी मनमानी शुरू की है। अकोला शहर में यातायात व्यवस्था को ऑटो चालक अस्त व्यस्त करने में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ रही है। अकोला शहर में शहर के अलावा ग्रामीण परमिट ऑटो बड़ी संख्या में दौड़ रहे हैं, जिसके कारण प्रमुख मार्गों पर, चौराहों पर, सार्वजनिक स्थलों पर जहां नजर दौड़ा वहां ऑटो ही ऑटो नजर आ रहे हैं। ग्रामीण परमिट के अलावा निजी ऑटो भी सवारी ऑटो के रूप में शहर की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। मुख्य सड़कों पर जगह जगह अघोषित ऑटो स्टैंड बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण चौड़ी सड़कें संकरी होती चली जा रही है। पिछले कई दिनों से शहरी यातायात नियंत्रण शाखा द्वारा ऑटो चालकों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण ऑटो चालक अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। शहर यातायात नियंत्रण शाखा को फिर से एक बार दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने की जरूरत आ गई है। अकोट शहर पुलिस ने सेंधमारी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 54,000 का माल जब्त किया है। अकोट के कॉलेज मार्ग के श्रीजी कॉलोनी निवासी महेंद्र वसंतराव कुरलकर के पिता का नागपुर में निधन होने से वे सहपरिवार 7 मार्च को नागपुर गए थे। इस दौरान अज्ञात चोरों ने घर में प्रवेश कर 44,000 का एलईडी टीवी, 52,000 रुपए का डीवीडी व स्पीकर, एक मोबाइल, 6,000 रुपए के चांदी के पायल सहित 60,200 रुपए का माल चुराया था। मामले में लिखित शिकायत के बाद अकोट शहर पुलिस ने धारा 380, 454, 457 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मामले में अकोट शहर पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर अकोट के बड़े बारगन कस्बा निवासी पीयूष त्रंबक माकोड़े को पुलिस थाने में लाया। उसे विश्वास में लेकर पूछताछ की। उसने अपराध की कबूली दी और चोरी में एक विधि संघर्ष बालक होने की बात भी बताई। पुलिस ने आरोपी के पास से 54,200 रुपए का माल जब्त किया। अकोट शहर अपराध खोज दल ने इसके पूर्व भी कुख्यात सेंधार शरद सहारे को हिरासत में लेकर उससे माल जब्त किया था। उपरोक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक एम राकेश कलासागर, अपर पुलिस अधीक्षक विक्रांत देशमुख, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुनील सोनावने, पुलिस निरीक्षक संतोष महल्ले के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक रंजीत सिंह ठाकुर, पुलिस कांस्टेबल संजय घायल, गोपाल अड़घटे, सुल्तान पठान, विजय सोलंकी, रवि जाधव ने की। दिनांक 7/3/2019 रोजी पोस्टे अकोट शहर येथे महेंद्र वसंत कुरळकर यांनी तक्रार दाखल केली होती की ते त्यांच्या वडिलांच्या निधन झाल्यामुळे नागपूर येथे कुटुंबासह गेले असताना कोणीतरी अज्ञात इसमाने त्यांच्या घराचं कुलूप तोडून 60,200 रुपयाचा मुद्देमाल चोरीस नेला होता अशी तक्रार दिली होती। पोलीस स्टेशन अकोट शहर येथे तक्रार दिली होती। वरून अकोट शहर पोलिसांनी स्वतः गुन्ह्यातील अज्ञात आरोपींचा शोध घेऊन आरोपी नामे पीयूष त्र्यंबक माकुडे व सोबत एक विधी संघर्ष बालक यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून गुन्ह्यात चोरी गेलेली पॅनासॉनिक कंपनीची एलईडी, एसटीजी कंपनीचा मोबाईल असा एकूण 54,200 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केला। शासन द्वारा निर्धारित छात्र संख्या के आधार पर शालाओं की मान्यता तय की जाती है। इस दौरान जिले की 8 ऐसी शालाएं सामने आई हैं, जिन्हें शासकीय स्तर पर मान्यता ही नहीं है। शासन द्वारा निर्धारित छात्र संख्या के आधार पर शालाओं की मान्यता तय की जाती है। इसी बीच जिले की 8 ऐसी शालाएं सामने आई हैं, जिन्हें शासकीय स्तर पर मान्यता ही नहीं है। ऐसी 8 अनधिकृत शालाओं के खिलाफ जिला परिषद के शिक्षा विभाग ने अब कार्रवाई आरंभ की है। घोटाला तथा शिक्षा विभाग का चोली दामन का साथ है। अकोला जिला परिषद की शालाओं में कितनी गड़बड़ियां हैं, यह हाल ही के समय में देखने मिला है। सर्वाधिक धांधली उर्दू शिक्षकों की भर्ती में उजागर हुई है। इस संदर्भ में मामला भी दर्ज किया गया तथा 67 शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त भी किया गया था।
इस मुद्दे के बाद बिंदु नामावली का मसला भी लंबे समय तक गूंजता रहा। इसके लिए भी अध्यापकों को सेवा मुक्त किया गया, किंतु न्यायालय ने उन्हें राहत दी। उसके बाद बिंदु नामावली में धांधली का मामला प्रकाश में आया। इन सब के बीच अब अकोला, बाशराकली, मुर्तिजापुर एवं तेल्हारा इन चार पंचायत समिति अंतर्गत आने वाली आठ शालाओं के अनाधिकृत होने की बात सामने आ रही है। इन पर कार्रवाई आरंभ की जाने की जानकारी जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षा विभाग सूत्रों की ओर से प्राप्त हुई है। देखते हैं आज का सुविचार और जानते हैं हेल्थ व ब्यूटी टिप्स। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। बालापुर के पास बैंड पार्टी की गाड़ी को उड़ाया, एक की मौत, 13 घायल। राशन दुकानों में खराब गेहूं की आपूर्ति किए जाने की शिकायत। फ्लाईओवर ब्रिज के काम में यातायात की रुकावट। आलेगांव की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग, लाखों का नुकसान। लग्जरी ट्रैवल्स कार्यालयों की आकस्मिक जांच की मांग। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। Network.